उधर देखना पड़ेगा नहीं। एक दो देख कितना बड़ा ये वाला कच्चा कच्चा नहीं पक्का है, आधा खाया हुआ है, चूहा खाया हुआ है इसको लगता है। नहीं फेंक देता है। अभी बहुत है इसमें फल लगा हुआ, बहुत ज़्यादा। देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर वहाँ, देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे तब ना। दिख रहा भाभी? पका हुआ था, हो गया। चलिए बिथरा, ये है अपना पुराना घर राजीव नगर का, जो कि बिल्कुल ही टूट चुका है। बहुत याद आता है कभी कभी यार। और ये है अपना बगान, अमरुद अभी भी बहुत है इसमें लगा हुआ। भाभी देखिए ऊपर में, दिखा रहे आपको, रुकी ये ना। हाँ यही पर मार रहे थे। मस्त है, पका हुआ है ये है मेरी भाभी, लग रही ना पाकिस्तान का ये अमरुद का भी पेड़ था अपने बगान में, और ये मुनगा सिटी जिसको बोलते हैं वो भी था, तूत का भी है। देखिए अच्छा ठीक है, उसको उठा लिया जाएगा। और ये बच्ची है, ये आती है यहाँ पे अमरुद खाने के लिए। इसका घर अभी यहीं पर है, खाली नहीं हुआ है। इस छोटे से झोले में पूरा का पूरा अमरुद भरा पड़ा है। ये ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में, खाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है आज पूरा खाली हो जाएगा चलिए चलते भाभी। देखिए एक तो यहाँ पर भी है, यहाँ यहाँ है, पका हुआ है। और वहाँ पर भी दो गए, रुकिए हम तोड़ते, रुकिए। हाँ क्या है भाभी वहाँ पर कहाँ है आपका रूम? अपना रूम देख रहे आकर यहाँ पर अब खत्म, अब कुछ नहीं है यहाँ पर। बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे, नहीं हम लोगों की। बहुत बड़ा बगान था हम लोगों का यार, देख सकते हो आप लोग, पीछे भी है। अभी सब जंगल वगैरह हो गया, पता नहीं चल रहा ये सब। मुनगा का पेड़ है, सिटी साजन। भाभी यहाँ पे एक और बहुत बड़ा है, छोड़िए हटाइए अब नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। कहाँ पे करेला आप बोल रहे थे ना? हाँ छोड़ी, काफ़ी टाइम हो गया चलते अब नहीं। इनको दिखाना था, जब से ये घर टूटा था ना यहाँ पे, तो ये मतलब आज पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। इनके सामने घर नहीं टूटा था सारा टूट गया। नहीं भाभी यहाँ पे किचन हुआ करता था, जहाँ आप खाना पकाते थे यहाँ पे बैठने का था ना। आइए ना इधर देखते हैं, दे रहे करेला का भी पेड़ है, लेकिन करेला नहीं दिखाई दे रहा इसमें। अच्छे से आइएगा, पूरा खत्म हो गया, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। अब जंगल टाइप का हो गया तो कुछ ना कुछ लग जाता होगा। कद्दू का लगता नहीं? देखो उस बच्चे को, देखो कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा। भाग रहे हो? हेलो इधर छोटू, भाग गया। हाँ ये पूरा मोहल्ला हुआ करता था एक टाइम में ये पूरा मोहल्ला हुआ करता था। उधर हाँ क्या बोल रहे? पता नहीं क्या, टमाटर है क्या, पता नहीं क्या क्या लग गया। छोड़ दीजिए मत लीजिए, ये खाने का है।
नहीं पता, नींबू जैसा लग रहा, छोटा छोटा तोड़ ले। नहीं फेंक दीजिए। ये है अभी, मतलब दो चार घर है यहाँ पर, बाकी मतलब बाकी पूरा क्लियर हो चुका है। इन लोगों का घर लगता है ना जेसीबी वगैरह आकर तोड़ा था। खाली उधर ही का है, सब इधर का तो चली चली। ये है अपना मोहल्ला का कुछ नज़ारा जो कि तबाह हो चुका है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप लोग। और ये था अपना घर जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इमाम बाड़ा हुआ करता था और इस पे निशान वगैरह हम लोगों का लगता था मुहर्रम में। टाटा कंपनी अपना प्रोडक्शन का एरिया बढ़ा रहा है इसलिए ये सब क्लियर हो गया यहाँ पे घर। हम लोग टाटा कंपनी के एरिया में ही रहते थे और इसी के जगह पे हम लोगों को भेलगढ़ा में मिला है प्लॉट। चलिए चलते हैं। रास्ता सही नहीं है, ठीक है, बेकार हो चुका, आराम से आइएगा। एक डेढ़ किलो टूट गया, आप ही तो तोड़े हैं। चलिए चलिए, अम्मी को खिलाएंगे और अपने पड़ोसी को। नहीं, मोहल्ला जाने का मेन रास्ता था और इधर से भी एक रास्ता था जहाँ से मेरे घर की ओर जाते थे डायरेक्ट। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है देखने में, आप लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना मतलब बचपना गुजार चुके हैं। टाइम काफ़ी हो गया, चल रहे भाभी, ये मेन रास्ता है और ये अपने भाईजान का घर है। कौन था अपना दुकान बताइए। यही सामने से होगा।